हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमीरपुर के एनजीओ भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केसी चौहान ने की। वहीं बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा एचआरटीसी पेंशनर्स की मांगों को आज तक पूरा न किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार आगामी 15 दिनों में उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो एचआरटीसी मुख्यालय का घेराव करने के अलावा प्रदेश सचिवालय का भी घेराव किया जाएगा। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केसी चौहान ने कहा कि परिवहन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ अक्टूबर 2021 में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किन लोगों के इशारों पर फैसलों को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, ये चिंता का विषय है। जो एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की हमीरपुर में अपनी लंबित मांगों के बारे में बैठक हो रही है जिसमें मुख्यतः पेंशन का स्थायी समाधान किया जाना और पेंशन को का भुगतान समय पर किया जाना और उसके बाद जो डीए के एरियर है 9 किस्तों की अभी तक बकाया राशि है जनवरी 2016 से लेकर तक आज अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है जिससे एचआरटीसी के पेंशनर्स के ऊपर भारी रिजेंटमेंट है। और जो एचआरटीसी के पेंशनर कल्याण संगठन की 22 अक्टूबर 2021 को माननीय श्री जगदीश शर्मा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे मुख्यमंत्री महोदय के डायरेक्शन के अनुसार उनके साथ हमारी जो बैठक हुई उसमें हमारी 13 मांगे थी। 13 मांगों के ऊपर सहमति हुई लेकिन उन मांगों को अमली जामा आज तक नहीं दिया गया और सिर्फ एक जो डीए का था हमारा 19% डीए इनहांस हुआ है लेकिन एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। जो आईआर 4% था वो भी बढ़ाया गया 23% उनका, उसके लिए हम हिमाचल सरकार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जो डीए का एरियर पड़ा हुआ है उसके भुगतान के लिए सरकार और ना तो निगम प्रशासन गंभीर है ना ही सरकार गंभीर है। कितने समय के अंदर अंदर इसको भुगतान किया जाना है, 16 जनवरी से लेकर इतने 6-7 साल हो गए इसका भुगतान अभी तक नहीं किया। और इसके बाद 8 जून 2022 को एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन का प्रदेश सचिवालय की तरफ प्रदर्शन करना था लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारा जो टॉल एंड से सेक्रेटेरिएट का प्रदर्शन मार्च करना था उसको वहीं पर रोका गया। और उसके बावजूद श्री आरडी नाजिम जी ने हमें बैठक के लिए कॉल किया, अपने प्रतिनिधि भेजे, एसडीएम शिमला को भेजा, ईडी एचआरटीसी को भेजा। हम लोग जब जा रहे थे हमको मीटिंग के लिए भी जाने के लिए रोक रहे थे जो कि एक बहुत ही घिनौना कार्य किया और किसके इशारे पे किया उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब हम मीटिंग में गए, मीटिंग जो हमारी आरडी नाजिम जी के साथ हुई बहुत ही स्वार्थपूर्ण वातावरण में हुई। 15 दिसंबर 2015 तक जो डीए का था वो उसका भुगतान करने के लिए इमीडिएट आदेश दिए और उसके बाद जो हमारी दूसरी डिमांडे थी और पेंशन रिवीजन के लिए भी उन्होंने इमीडिएटली कहा कि भी ये जुलाई पेड इन अगस्त आपको पेमेंट की जाएगी। लेकिन जो हमारे प्रधान सचिव श्री आरडी नाजिम जी और श्री जगदीश शर्मा जी जो फैसला लेते हैं सरकार की तरफ से उनका निगम प्रशासन अभी तक भी सिंसरली इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन सरकार के स्तर पर जो हमारी वार्ता हुई बहुत सफल पूर्वक हुई है। उल्टा 1 बजे हमारी सचिव महोदय के साथ बैठक हुई, उसके बाद रात को 6 बजे जो पुलिस वालों ने गलत FIR जो है ना जो कि रोड हमारा अवरुद्ध किया, अपनी गाड़ियां रोड में लगा दी, बीच रोड में 2 गाड़ियां पार्क कर दी, हमें वहां से आगे एक कदम भी आगे जाने नहीं दिया। हमारा जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन था उसको वहीं दबा लिया, कुचल दिया। मेरे को ये भी कहना उचित होगा कि इसको कुचलने की कोशिश की, डंडे बरसाने की कोशिश, कहते हैं कि भाई उसको, फिर हमने कहा कि इसको विड्रॉ किया जाए लेकिन वो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर थे। किसके ऑर्डर थे? अगर तुम्हारे को गलत ऑर्डर आते हैं कि भाई इनके ऊपर लाठी चलाओ, तुम लाठी चलाओगे, तुम डंडे बरसाओगे। वृद्ध जो प्रदेश भर के लोग आए थे और उस FIR में लिखा है कि भाई ये जो बैठक में आदमी थे उनके नाम लिए गए हैं और
उनके नाम दर्ज करके 6 बजे रात को, जबकि हमारी 1 बजे स्वार्थपूर्ण मीटिंग जो है ना बोली ठीक तरीके से हो गई थी, और उन्होंने मैक्सिमम डिमांडें जो है ना उन्होंने भी हमारी मानी है, और उन्होंने निर्देश दिए कि भाई इनका जो भी ड्यूस है, पेंडिंग ड्यूस है, उनको समय बद्ध तरीके से जारी किया जाए।